पहले ही बारिश ने सफाई व्यवस्था की खोली पोल। साउथ दिल्ली नगर निगम नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पहली ही बारिश से जल भराव ने सफाई व्यवस्था के सारे दावों को खोखला साबित कर दिया है। नजफगढ़ में घुसते ही चारों तरफ सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर तरफ गंदगी का भरमार है। पहली ही बारिश ने सभी सरकारी एजेंसियों की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। ये नजारा है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ जोन के कार्यालय का। नजफगढ़ जोन के कार्यालय के मुख्य द्वार के पास से ही लगभग 2 से 3 फुट तक पानी सड़कों पर खड़ा है। आने जाने वाहनों को परेशानी हो रही है, वहीं पैदल चलने वाले लोगों को किस्मत के सारे ही रोड पार करना पड़ रहा है। यह नजारा आप देख सकते हैं नजफगढ़ के मुख्य मार्ग का, जहां पर स्थित है दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ जोन का कार्यालय। आप देख सकते हैं गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। मानसून की पहली ही बारिश से नजफगढ़ वासी दुखी व परेशान है। कारण है सड़कों पर गंदे पानी की निकासी का ना होना। सबसे बड़ा कारण गंदे पानी का घरों में घुस जाना व गंदगी व जाम की समस्या से जूझ रहे नजफगढ़ वासियों के लिए एक और आफत बनकर आई है बारिश। आप देख रहे हैं सड़कों से पानी लबालब भरकर घरों और दुकानों और प्रतिष्ठानों में जा घुसा है। गाड़ियां सड़कों पर बंद पड़ी नजर आ रही हैं। लोग सड़क पार करने के लिए, अपने घर तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद और कसमकस में लगे हुए हैं। यह नज़ारा है नजफगढ़ के झाड़ौदा बस स्टैंड का। आप देख सकते हैं सवारियां घुटनों घुटनों पानी में खड़ी हुई बस का इंतजार कर रही हैं और बुजुर्ग महिलाएं युवाएं सब परेशान हैं नजफगढ़ का इस दुर्दशा को देखकर। हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं नजफगढ़ में हुई इस बारिश के बाद का ये आलम। वैसे तो हर साल नजफगढ़ में यही हाल रहता है, लेकिन इस बार मानसून आने से पूर्व हुई इस बरसात ने नजफगढ़ वासियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या नजफगढ़ के बारे में कोई सोचने वाला है। क्या नजफगढ़ की जनता को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई है? कैमरामैन सुनील कुमार के साथ समाचार क्यारी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।